गर्मी और धूप भाई आप सभी को मालूम पड़ रहा होगा कितना ज़्यादा है, और मौसम भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया हुआ है। लेकिन सामने से देखो भाई, क्रेन है अपना ये। ओ भाई सामने देखो बादल, ये भूतिया बादल है, इसे हम भूतिया बादल भी कह सकते हैं, जो खतरनाक दिखता है। यहाँ से देखने को मिल रहा होगा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? तो हम भाई आ चुके हैं साइट पे, और आज है बहुत सारा काम, बहुत सारा में कंक्रीट स्लैब की होने वाली है, स्लैब की होने वाली है, तो भाई साइट पे आने पड़ेंगे। भाई वाइब देख लो, बहुत सारी जगहों से नेट वेट हटा दिया गया है, और ये नेट जो है वो बाहर हुआ करता था, लेकिन इसे भी अंदर लेके आ जाया गया है। भाई देख लो गंदगी, यानी कि ये नेट की गंदगी है, ऐसे नहीं है। तो हम साइड पे एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देख लो भाई ये बॉक्स आ चुकी है, पहले ये नहीं हुआ करती थी, लोगों को बैठने के लिए बेस्ट है। तो हम यहाँ थोड़ा रिलैक्स और मस्त चिल करते हैं। तो और सब बताओ कैसा चल रहा है? किसी ने रिप्लाई नहीं किया कि भाई कितने घंटे ड्यूटी हो रही है आपकी, तो रिप्लाई क्या करो यार, कितने काम कर रहे हो, कैसा चल रहा है, मतलब बढ़िया चल रहा है या फिर नहीं, कौन से स्टेशन पर काम कर रहे हो अभी? जैसे कि मैं इस वक्त देसर में हूँ, तो आप कौन से स्टेशन पे काम कर रहे हो ये बताना है, कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है, तो बता सकते हो। भाई वाइब देखो कैसा दिखता है, और इस साइड में देखते हो तो वहाँ पे कॉन्क्रीट पंप देखने को मिल रहा होगा, ये वाइट कलर में कॉन्क्रीट पंप है, और यहाँ पे पाइपलाइन का भाई लोड है, हमें इसे उठाना होगा। इसके लिए मैं आ चुका हूँ जल्दी, और देखता हूँ लिफ्ट चल रहा है कि नहीं। लिफ्ट नहीं चल रहा होगा तो मुझे नहीं लगता कि मुझे जाने के लिए लिफ्ट मिल पाएगा। तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ यहाँ से कि आखिर यहाँ से आखिर लिफ्ट कैसे हाइट होगा। यहाँ पे सामने में देखने को मिल रहा होगा, ये बिल्कुल भी गेट लगा दिए गए हैं, हालांकि ये लिफ्ट का ही है, और इसमें बांस बल्ली लगा दिए गए ताकि उसकी मोटर वायर रोप्स बाकी के सिस्टम उसका ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद भाई दो चार फ्लोर और हाइट हुए हमारा लिफ्ट, ठीक है। ऐसा है तो अभी 7th फ्लोर के आसपास है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये सारे भाई कचरा देखो, सफाई वफाई मस्त करके ये सारी चीज़ें यहीं पे लगा दिया गया है। ये भी जाएगा नीचे, लेकिन थोड़े समय जाएंगे, और 4-5 फ्लोर भाई ऊपर है, तो जाहिर सी बात है कितना फ्लोर है ये 11, 3-4 फ्लोर ऊपर जाएंगे तब बात बने। तो मैं आ चुका हूँ अपने साइड पे, यानी कि अपने साइड पे टॉप फ्लोर पे। भाई गर्मी और धूप भाई आप सभी को मालूम पड़ रहा होगा कितना ज़्यादा है, और मौसम भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया हुआ है। लेकिन सामने से देखो भाई, क्रेन है अपना ये। ओ भाई सामने देखो बादल, ये भूतिया बादल है, इसे हम भूतिया बादल भी कह सकते हैं, जो खतरनाक दिखता है। यहाँ से देखने को मिल रहा होगा अमेजिंग अमेजिंग व्यू, वाइब, गर्मी है तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और यहाँ पे भी बादल फ्रेश है, लेकिन यहाँ का भाई देख लो खतरनाक है। और यहाँ पे सेफ्टी स्किन ये सारा हाइट किया गया है ना, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं देखने को मिल रहा होगा। चलते हैं क्रेन पे, गर्मी में क्यों मरते बैठने। तो वैसे मैं आता हूँ क्रेन पे, लेकिन उससे पहले मुझे जाना पड़ेगा केबिन में। केबिन हो गया है गर्म, भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, और पसीने भी छूट जा रहे हैं, देखने को मिल रहा होगा बहुत ज़्यादा गर्मी है, और थोड़े मोड़े गर्मी रहते हैं तो समझ में आते हैं भाई, चेहरे पे एकदम वो हो गया होगा पसीने से पूरा लथपथ। ओ भाई केबिन भी उतना नॉर्मल ही लग रहा है, ज़्यादा वो नहीं है, हवा चल रहा है, लेकिन भाई क्लाउड इतना तगड़ा किया है ना, बहुत ज्यादा तगड़ा क्लाउड मौसम किया है, बोले तो एकदम हालत खराब कर दे रहे हैं।
तो हम करते शूज ओपनिंग भाई, क्योंकि क्या जरूरत है गर्मी में रहना। तो भाई ऐसा ही होता है अक्सर ऑपरेटर के साथ, काम करे तो भी तकलीफ है गर्मी से, ना करे तो भी तकलीफ है गर्मी से। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर, लेकिन क्या करोगे, काम तो करना ही पड़ेगा। भाई वाइब ही वाइब है यहाँ से देखने को मिल रहा होगा इस साइड में। ये कॉन्ट्रोवर्ट तो नहीं कह सकता, ये पीछे के साइड का जीप है। तो आते आते हमने क्रेन स्टार्ट कर दिए हैं, एक लोड ले भी लिए हैं, पाइपलाइन वाले का पता नहीं है, पंप तो आ चुका है लेकिन पाइपलाइन वाले को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्लैब कॉन्क्रीट होने वाला है गाइस, उसके लिए भाई चाहिए तो कुछ, तो वो आएंगे। हालांकि गाड़ी ऑर्डर दे दिया गया है, वो आएंगे तब बात बनेगी। और हमने पाइपलाइन का भाई अभी तक लोड नहीं उठाया है, उसका स्टैंड वगैरह है वो हम दिखा देते हैं। हमने ये झूला उठाया है और जस्ट इसे उठाया है हमने, और ये स्लैब भराई होने वाला है ना। तो भाई इतना तो बनता है, अब कोई आया नहीं है, बोलता है कि पहले से फोन करके घुमा रहा है कि लोड पहुंचाओ, आदमी का पता नहीं। तो भाई अपना माइवन का जो फोरमैन है उसको आवाज दिया तो उसने तुरंत खोल दिया, और भाई काम अभी स्टार्ट हो चुका है, पहला ही लोड गया है। और मुझे नहीं लगता कि आज ज्यादा लोड उठेगा, नहीं उठेगा आज ज्यादा लोड, मिनिमम कॉन्क्रीट ही होगा, और क्रेन से भी होता है थोड़े बहुत कह रहा हूँ, बहुत होते हैं, उतने नहीं होते हैं जितना मैं बोल दिया, लेकिन होते हैं। लेकिन एक चीज है यार, वो क्या चीज है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो काफी ज्यादा बड़ा है, टावर है या फिर मोबाइल क्रेन है, और मुझे लग रहा है मोबाइल क्रेन ही है, ज्यादा दूर नहीं है। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या चीज है समझ में नहीं आ रहा है, मैं मार्क करने की कोशिश करूंगा। हालांकि अरे यार इसमें तो दिख ही नहीं रहा, ये रहा, नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा दूर है। ऐसा लग रहा है कि मोबाइल क्रेन जो होता है ना वो ऐसा हाइट किया हुआ है, और ऐसा उसका जो बूम होता है ना ऐसा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है उधर बहुत जल्द क्रेन वगैरह बैठने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई कोई गारंटी नहीं है, क्रेन लगना होता है तो ही मोबाइल क्रेन देखने को मिलते हैं, ऐसा होता है। यहाँ से ज्यादा दूर लग रहा है, ज्यादा दूर नहीं है, दो रोड है, एक इस रोड में, ये खाली वाला रोड है, उसका आगे वाला रूट में देखना है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जाने में 10 मिनट लगेंगे, देखेंगे नया क्रेन लगेगा तो विजिट करेंगे कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। तो हम आ चुके हैं इस वक्त उदय भाई का कुटिया में। कुटिया क्या होता है पता है, कुटिया काहे को कहता है, वो छोटा मोटा घर के ना, ये उदय भाई का कुटिया है। और भाई यहाँ से नजर आता है अमेजिंग नजारे, जैसा कि यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रेन है, यहाँ पे काम हो रहे हैं, उदय भाई हैं और साथ में मैं भी इधर बैठा हूँ काम कराने के लिए। किसी को तो होना पड़ेगा ना यहाँ पे, इसलिए मैं हूँ इस वक्त। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।